अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अफशा है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज। नाउ गाइस, अभी जो है जस्ट मैंने अपनी शूटिंग कंप्लीट की है एंड आप देख सकते हो कि मेरा मेकअप अभी भी फेस पे लगा हुआ है। एंड आप लोग में से काफी सारे लोग बोलते हैं कि अपनी जो है स्किन केयर रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा कि आज फाइनली जो है मैं आपके साथ अपनी सिंपल एंड ईजी 3-स्टेप रूटीन यानी कि CTM, क्लीनिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग शेयर करती हूँ। आज के वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है बेसिकली क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग रूटीन। नो गाइज, आजकल जो है मैं ज़्यादातर फोकस कर रही हूँ कि मैं जो स्किन केयर यूज़ करूँ ना वो इंडिया मेड ब्रांड हो, हर्बल हो। तो यहाँ पे आज जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम वानिया हर्बल। वानिया हर्बल की अगर मैं बात करूँ ना तो एक इंडियन ब्रांड है, प्लस ये क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है यानी कि एनिमल पे टेस्ट नहीं करता। प्लस इसमें सारे जो प्रोडक्ट्स जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो एक्चुअली टोटली हर्बल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। पैराबेन या मिनरल ऑयल जैसे कोई भी गंदे गंदे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, वेरी सेफ टू यूज होते हैं, ऑल स्किन टाइप पे इजीली सूट हो जाते हैं। मेरी स्किन जो है एक्सट्रीमली लाइक एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है। चलिए फटाफट जो है मैं आपके साथ अपना क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग यानी CTM रूटीन शेयर करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टिंग। ऑल्सो गाइज, वानिया हर्बल जो है ना अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से जो मेरे अच्छे जो मुझे प्रोडक्ट लगते हैं या जो इस वीडियो में पूरा बता रही हूँ मैं जितने प्रोडक्ट्स आपको, वहाँ पे जाके आपको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कि कपड़ों को चेंज करना, क्योंकि बस कपड़ों को चेंज करना। तो स्टार्टिंग ऑफ विद वानिया हर्बल का हल्दी, क्लियर, तुलसी एंड टर्मरिक वाला क्लींजर। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग जो है रीयूजेबल है यानी कि इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज आपको नहीं होने वाला है। वानिया हर्बल का जो ये हल्दी क्लियर है ना, इसमें तुलसी और टर्मरिक दोनों ही मौजूद है और एक्चुअली ये फेस से डर्ट को और मेकअप को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। टर्मरिक ऑयल है इसमें तो जो है स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है। तुलसी मौजूद है तो एंटी फैंगल प्रोटेक्शन ये देता है आपको एंड जो है आपकी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन और ब्राइटन अप देता है। और ये 100% जो है प्योर एलोवेरा जेल इसमें मौजूद है जो कि आपकी स्किन में बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। इसको यूज़ करने के बाद ना आपकी स्किन स्ट्रेची और ड्राई ड्राई फील बिल्कुल भी नहीं होती। बात करूँ तो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें मौजूद है और पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है। कंसिस्टेंसी जो है क्रीमी कंसिस्टेंसी आएगी, लेकिन जैसे आप इसे फेस पे लगाते हो ना तो ये ऑयली कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको हाइड्रेशन देता है और अच्छे से जो है रिमूव करता है। मैं आपको पैकेजिंग इसकी एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ, फिर इसका डेमो शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा क्लींजर है और क्रीमी कंसिस्टेंसी में आता है, मेकअप को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है, तो अलग से मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करना पड़ता, प्लस डर्ट पॉल्यूशन सबको बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। तुलसी इसमें मौजूद है तो एक्ने, पिंपल वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो भी हटा देता है। इसको यूज करने के बाद एक तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है और क्योंकि इसमें एलोवेरा जूस मौजूद है ना तो यहाँ पे जो है ये ड्राई ड्राई स्ट्रेची बिल्कुल भी फील नहीं होता। और टर्मरिक है इसमें जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट है। वानिया हर्बल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारे के सारे आपको नेचुरल मिलेंगे। ना फेस को जो है मैंने पानी से वॉश कर लिया है और मैं इसे पैक ड्राई कर लूंगी, अच्छे से क्लीन कर दिया है। माय फेस इज लुकिंग रियली रियली फ्रेश। सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि इसने मेरे फेस को ना स्ट्रेची या ड्राई नहीं किया है, स्टिल फीलिंग हाइड्रेटेड, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है एंड मेरा फेस। एंड आई प्रिफेयर के फेस वॉशेज ना लगाने के बाद स्ट्रेची नहीं फील होना चाहिए, तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है एंड इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है एंड या यू कैन सी इंस्टेंटली मेरी जो स्किन है वो पूरी क्लीन हो गई है एंड ब्राइटन अप भी हो गई है। प्लस लाइनर को भी बहुत ही अच्छे से रिमूव कर दिया है, तो जैसे कि मैंने कहा था इट क्लीन सो वेल। यहाँ पे मैं वानिया हर्बल का प्योर हिमालयन रोज वाटर यूज़ करने वाली हूँ, जिसे आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रोज वाटर जो है नेचुरल टोनर होता है। नेक्स्ट आई एम गोना यूज दिस वानिया हर्बल का रोज वाटर। दिस रिटेल्स फॉर 520 रुपीज, जिसमें आपको मिलता है तकरीबन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, विच इज़ ग्रेट क्योंकि टोटली जो है इस बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया है एंड आई एम गोना स्प्रिंकल इट। स्प्रिंकल करने के बाद ना गाइस मैं इसे हल्के हल्के हाथों से पैट करूंगी। ना ऐसा बोला जाता है कि टोनर जो है आपको 7 स्टेप में अप्लाई करना चाहिए, यानी कि अप्लाई किया स्प्रे से,
पैट किया, फिर और एक बार अप्लाई किया, फिर पैट किया, इस तरीके से 7 टाइम्स करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल, अगर मैं टोनर की फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि आप ना एकदम बगीचे में ही बैठ गए और रोज़ के, इतनी फ्रेश खुशबू आती है इसकी। एंड एसेंस वाली नहीं आती, जो नेचुरल वाले रोज़ होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की आती है, बिकॉज एज आई सेड ये टोटली नेचुरल एंड हर्बल इन्ग्रीडियंट्स। तो बाकी की जो 3 बार है वो मैं इसे स्प्रे कर लेती हूँ। ना वानिया हर्बल्स ने क्या किया है ना, इसमें प्योर हिमालयन रोज़ वाटर यूज़ किया है, जो कि आपको जो है बहुत ही अच्छी हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट देता है। आप इसे अपने फेस के साथ साथ ना हेयर वे भी यूज़ कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को टाइटन करने का काम करता है और आपके स्किन के जो पोर्स हैं उनको श्रिंक करता है, आपकी स्किन को टोन अप करता है, जिससे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस वगैरह नहीं आते। रेगुलरली अगर आप इसे यूज़ करोगे ना, तो ये आपके स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करेगा और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी। ये आपको सन बर्न में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सो प्लस इसे आप काफी सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो टाइटनिंग के लिए स्प्रे कर सकते हैं, एज अ टोनर यूज कर सकते हैं, और सन बर्न से भी सूट करेगा। अब गाइस, ऐसा बोला जाता है और ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि जब आपका फेस वेट हो, या तो आपका टोनर से वेट होना चाहिए या आपका पानी से, तभी आप सीरम या फिर क्रीम अप्लाई करें, तो वो अंदर तक स्किन में पेनिट्रेट होती है और आपको अच्छे रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आई एम गोना यूज दिस इज गाइस, इस क्रीम में ना रोज और ऑलिव मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। 100% हिमालयन रोज वाटर इसमें ब्लेंडेड आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके का लगता है। एंड ये वाली क्रीम अभी मैं यूज करने वाली हूँ, वानिया हर्बल्स का गुलाब केयर क्रीम, जिसमें रोज और ऑयलिव मेन इंग्रेडिएंट्स है। दिस इज ऑल्सो 35 ग्राम, 750 रुपीज की रिटेल करती है, अमेजोन पे मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्यूट पैकेजिंग, एंड अंदर से जो ये क्रीम है कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आती है, काफ़ी लाइट वेट है, स्किन में बहुत ही फास्ट अब्जॉर्ब हो जाती है। और प्लस ना इसमें आप देखोगे कि शाइन है, क्योंकि सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं, ऑलिव ऑयल इसमें है, रोज इसमें है, तो ये आपकी स्किन को ना एक ग्लो एंड शाइन इंस्टेंटली प्रोवाइड करती है। और लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट है वो क्रीम को लगाते लगाते हम देखेंगे। सो गाइज, इसे आप ना वेट स्किन पे यानी कि टोनर अप्लाई करने के बाद लगाएं तो इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनेट्रेट हो जाती है, इंस्टेंटली जो है आपको ये एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है और जो है हाइड्रेशन देती है। लॉन्ग रन में अगर आप इसे यूज़ करते हैं ना, तो क्योंकि इसमें रोज़ और ऑलिव ऑयल मौजूद है, सबसे पहले बात करें तो इसमें हिमालयन रोज़ मौजूद है, जो कि आपकी स्किन को टाइटनिंग और पोर को जो है टाइटनिंग का इफेक्ट देता है, स्किन को जो है स्मूथ बनाता है। ये कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, हर टाइप की स्किन पे सूट हो जाएगी। हिमालयन रोज इसमें मौजूद है, हिमालयन रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें मौजूद है, ये आपको एकदम फ्रेश फील देता है। लॉन्ग रन में यूज करने से आपके जो दाग धब्बे हैं ना वो कम होने लगेंगे। और प्लस इसमें एलोवेरा जूस भी मौजूद है, जो आपको आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगा, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस कम होंगे, क्योंकि इसमें हाई ऑलिव ऑयल भी मौजूद है ना, तो ये आपकी स्किन को जो है एकदम ग्लोई इफेक्ट देगा। ऑलराइट गई, तो आप देखोगे कि आप मेरी जो स्किन है ना वो इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो गई है, एंड काफ़ी ज़्यादा प्लम्पी एंड नेचुरल लुकिंग लग रही है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है पहले से। तो ये तो इंस्टेंट इसका था, अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे ना तो भी आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहेगा ये, और आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। बस मैं फिलहाल जो है इतने ही स्टेप फॉलो करती हूँ, बिकॉज धीमा चौकड़ी वाले मैं स्टेप फॉलो नहीं करती हूँ, बिकॉज यूट्यूब का काम होता है, बहुत सारे और वर्क होते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल स्किन केयर रूटीन, CTM, क्लीनिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो मैं डेली फॉलो करती हूँ अपनी स्किन को प्लम्प्ड अप रखने के लिए। आप भी डेफिनेटली ट्राई अप कर सकते हैं इसे। सो गाइज, वानिया हर्बल के सभी प्रोडक्ट्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और की खुद की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप इन्हें बाय कर सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट मी नो अगर आपको यहाँ से और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बेहद धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।